झारखंड के कलाकारों का उत्साह कभी कम नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर झारखंड में जॉलीवुड प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है, जिसमें 5 टीम का चयन किया गया है। सभी टीम अपने प्रैक्टिस के दरमियान खूब पसीना बहा रहे हैं। वहीं डमकच टीम के ने भी अपने प्रैक्टिस के दरमियान बहुत मेहनत करते दिखे। जोहर सभी को। हम लोग इस मैच को जीतने के लिए पूरा खून पसीना एक कर दिए हैं। गर्दा उड़ा देंगे, कादो उड़ा देंगे। जॉलीवुड प्रीमियर लीग 2024 का आगाज हो चुका है, जिसमें 5 टीम शिरकत करेंगे और खास डमकच वॉरियर्स 2024 के लिए तैयार है और पसीना बहा रहे, जिसमें जिनके वीरेंद्र नारायण जी ये इस के कोच हैं। इनका टीम का नाम है डमकच वॉरियर्स। सबकर से पहले हमर बटले सबके जमा जमा जोहर है। और फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कमेटी जो अभी गठन हुआ है उनके नए सदस्यों को भी मेरे तरफ से जोहार रहेगा। हम बिलीव करते हैं कि इस कमेटी का मतलब अभी तो बोलना बहुत अर्ली होगा, लेकिन झारखंडी संस्कृति का विरासत को जो लोग भी मतलब सबसे पहले तो मेरे तरफ से जोहार, और जो भी काउंसिल के सदस्य बने हैं उन लोगों का स्वागत है। और बिलीव करते हैं कि यहाँ के मेकर्स, यहाँ के एक्टर्स, यहाँ के टेक्नीशियंस सभी लोगों को मतलब सभी लोगों के बारे में सोचा जाएगा। और सबका से पहले हमर बटले सबके जमा जमा जोहार। और फिल्म सब्सिडी बोर्ड का गठन हो चुका है, नए सदस्यों को मेरे तरफ से जोहार रहेगा, स्वागत रहेगा। बिलीव करते हैं कि इससे पहले जो भी कमेटी बनी थी, जिस तरह का भी नेगेटिविटी थी, आई बिलीव कि इस कमेटी के गठन होने के बाद में पॉजिटिविटी का ब्रिज का निर्माण होगा। माया माटी भाषा और संस्कृति में काम करने वाले डायरेक्टर होंगे या एक्टर होंगे या टेक्नीशियंस होंगे, सभी लोगों को सम्मान मिलेगा। डेफिनेटली इस कमेटी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और उनको प्रोत्साहित। हाँ, हमारे सभी डमकच वॉरियर्स लगे हुए हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये मैच हम लोग जीतेंगे। जबरदस्त तरीके से इस उम्र में लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीदें बहुत हैं और जिस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, जिस तरह से हमारे बच्चे खेल रहे हैं, लगता है कि हम लोग कप उठाएंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और समय है हमारे पास 15 दिन का भी, तो 15 दिन के होने की वजह से प्रैक्टिस भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लोग बहुत उत्साहित हैं और समय पर सुबह लोग पहुँच रहे हैं प्रैक्टिस के लिए और अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस लगे हुए हैं, बॉडी ऐसा लग रहा है कि रिकवर हो रहा है। हम लोग अभी भी जवान हैं ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब देखना है, ये तो मैच में ही पता चलेगा कि कौन कितना दमखम रखता है।